Boys and girls, IAS by the IAS, that is Prisa IAS. सोचने से कहां मिलती है तमन्नाओं की ये शहर, चलना भी मंजिल को पाने के लिए। तो चरैवती चरैवती, चलते रहिए अच्छे संगत में, चलते रहिए अच्छे फ्रेंड फिलोसफर गाइड के साथ, चलते रहिए तो मंजिल जो है आसान है। तो पिछले सैटरडे संडे में हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजा था जिसका डिस्कशन जरूरी है। और पहला क्वेश्चन था एक एक लाइन वाले, दैट इज क्लाउड बर्स्टिंग, हिंदी में बोलते हैं बादल फटना। आता है कि क्लाउड बर्स्टिंग, व्हाट इज क्लाउड बर्स्टिंग, उसमें ऑप्शन दे देगा ये 1 2 3 4, फिर ए बी सी डी कहेगा इसमें से कौन सही है। तो दिस इज द सिग्निफिकेंट फिनोमिना इन ज्योग्राफी। तो क्लाउड बर्स्टिंग क्या है, द सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया, पहली कंडीशन ये कि किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही होता है, और दूसरा उस निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हाई अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो निर्धारित मानदंड है कि इतना तक वर्षा होगा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, उस निर्धारित मानक से ज्यादा वर्षा एक निश्चित ड्यूरेशन में, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, नॉट दिन भर, आधा घंटा एक घंटा बरसा उतने में तो सत्यानाश कर देता है। 2013 में जून में क्लाउड बर्स्टिंग की वजह से पूरा उत्तराखंड तबाह हुआ था, ठीक है। तो बहुत जोर की वर्षा बहुत तेजी से कम ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट ड्यूरेशन, हायर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया में, ये तीन कंडीशन मस्ट है। अगर ये तीन कंडीशन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन यू कैन नॉट से दैट द क्लाउड बर्स्टिंग, फिर नॉर्मल वर्षा है जैसा होता रहता है। तो इसके साथ ये तीन कंडीशन जो है एफिलिएटेड है। व्हाट इज क्लाउड बर्स्टिंग, इन ए सर्टेन ज्योग्राफिकल एरिया इन शॉर्ट ड्यूरेशन, इफ द हायर अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस जनरली इन उत्तराखंड ड्यू टू द माउंटेन पीक माउंटेन, तो इन दैट सिचुएशन इट इज कॉल्ड क्लाउड बर्स्टिंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट वाज द सेकेंड क्वेश्चन, देखो हाउ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्ट। आई हैव ऑलरेडी टॉट यू पीपल व्हाट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म इज ए फिनोमिना, इज ए कंसेप्ट बाई विच स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डज नॉट इन्वॉल्व इन द डेली अफेयर्स ऑफ रिलीजियस एक्टिविटी टू द पब्लिक। और सेक्ट क्या है, सेक्ट इज ए सबसेट ऑफ सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के तहत ही सेक्ट जो है आपके जीवन जीने के कर्म कांड को बताता है, और सेकुलरिज्म जो है बहुत बड़ा एरिया को कवर करता है, उसमें सेक्ट एक छोटा सा समुच्चय है, सेट है। तो वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस वही है कि सेट जो है कर्म कांडीय एस्पेक्ट को दोहरा बताता है किसी भी धर्म के लोगों को, जैसे जैसे आर्य समाज हिंदू धर्म में है ना, राधा स्वामी सत्संग, दूसरा वो जो है इस्कॉन, तो ये सब छोटे छोटे सेक्ट हैं, आर्य समाज, इस्कॉन, राधा स्वामी सत्संग, दीज ऑल आर कॉल्ड सेक्ट। रिलीजन बड़ा हो गया, दैट इज हिंदू। तीसरा क्या था, हाँ हाँ, वो पहले ये इसी साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस्ड द वर्ड ऑफ सेक्स एजुकेशन सेइंग दैट इट शुड नॉट बी यूज्ड इन द क्यूरिकुलम, ठीक है, पाठ्य सामग्री में यौन शिक्षा नाम से नाम को हटा देना है। और इसके लिए एक कमिटी बनी थी इसी साल जिसने इसको रिकमेंड किया कि ये सब शब्द थोड़ा टैबूज, निषेध की तरह काम करते हैं, इन दैट सिचुएशन दिस नेम शुड नॉट बी यूज बिकॉज पीपल गेट्स हेजिटेटेड, है ना, आदमी बाल बच्चे लड़के लड़कियां थोड़ा हेजिटेट होते हैं सेक्स बोलने में। तो वो भारत सरकार की एजुकेशन मिनिस्ट्री की कमेटी ने
इसका नाम चेंज करके रख दिया स्किल बेस्ड, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। क्या नाम रख दिया? अब आपके क्वेश्चन में आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन, तो समझ नहीं पाइएगा। इन दैट सिचुएशन यू विल बी रोम अराउंड योर माइंड कि व्हाट इज स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन। सारा क्वेश्चन का आंसर बता दें कि भाई इसका मतलब कह रहा है कि व्हाट इज सेक्स एजुकेशन, तो आपके लिए आसान है, यू कैन इजिली राइट। लेकिन जब उसका नाम चेंज कर दिया, स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन कर दिया, तो अगर इफ यू आर नॉट अवेयर दैट द नेम हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम सेक्स एजुकेशन एंड इट इज द सिनोनिम्स ऑफ सेक्स एजुकेशन, इन दैट सिचुएशन यू विल नॉट बी एबल टू राइट। लेकिन जब पता होगा, अरे कुछ नहीं, ये सेक्स एजुकेशन यौन शिक्षा की बात कह रहा है, उसी के बारे में पूछ रहा है, ये कौन सी बड़ी चीज है। और जिसको नहीं मालूम होगा वो एक लाइन नहीं आगे बढ़ सकता, क्योंकि पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाई स्किल बेस्ड हेल्थ एजुकेशन एंड हाउ दिस एजुकेशन सिस्टम शुड बी इन रूटेड अमाउंग्स द स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल, कैसे उसको बताया जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके हेल्थ के बारे में, बुखार और खांसी जुकाम के बारे में बता के रह जाइएगा, जो कि टोटली टोटली रॉन्ग है ना। चलिए, तो ये भी बढ़िया टर्म यूज हुआ था, अभी किसी में था। तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है? अच्छा, एज ऑफ कंसेंट। अच्छा, ये तो आपको मालूम होगा, सहमति की उम्र, सहमति की टर्म है, ये है एज ऑफ कंसेंट, सहमति की उम्र। सहमति की उम्र ये लीगल टर्म है, एज ऑफ कंसेंट मीन्स कि एक ऐसी उम्र, द डिफाइंड प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट अमॉन्ग्स बॉयज एंड गर्ल्स टू डू द स्पेसिफिक वर्क, कोई एक विशिष्ट काम को करने के लिए उस लड़के या लड़की के द्वारा कुछ निर्धारित कार्य करने के लिए एक उम्र का निर्धारण करना, जिससे उस उम्र के बाद उसके द्वारा किए गए कामों को वैधानिक दर्जा प्राप्त हो सके, उसको बोलते हैं सहमति की उम्र या ये जब कंसेंट। जैसे वोट देना, 18 साल का होगा तभी डाल सकता है, उससे पहले उसकी कुछ नहीं। 16 साल से ज़्यादा उम्र की लड़की होगी तभी जो है उसके साथ किए गए यौन क्रिया को आप वैधानिक मानेंगे कि इसके द्वारा दी गई सहमति वैध थी, क्योंकि इसकी एज 16 साल से ज़्यादा है। अगर 16 साल से कम है और आप लाख कहेंगे कि साहब इसकी सहमति के वजह से हमने किया से, तो वो गया, तो वो एज ऑफ कंसेंट हो गई। उसी तरीके से विवाह की एज है, तो जो निर्धारित मानदंड हैं किसी भी कार्य को करने के लिए, अगर उससे उस निर्धारित मानदंड को पूरा करने के लिए वो उम्र जो है निर्धारित है, और उसके अनुरूप काम करने पर ही उस काम को वैधानिक दर्जा मिलेगा, जैसे हमने उदाहरण देके बताया। अगला क्या था? वेरी गुड, बहुत। जापान में आजकल बड़ी समस्या चल रही है भाई, रिप्लेसमेंट रेट। क्या होता है ये? रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या का रिप्लेस करना, हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे। रिप्लेसमेंट मतलब इस चीज को हटा के उसके जगह पे दूसरी चीज रख देना, दैट इज रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब सीधा सीधा है, क्या है कि एक ऐसी दर, ये रेट ऑन विच द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री नाइदर इट विल इंक्रीज नॉर इट विल डिक्रीज,
एक ऐसा दर जिसपे किसी देश की जनसंख्या न बढ़ती है न घटती है, उस दर को बोलते हैं रिप्लेसमेंट रेट। ठीक है, तो वो दर कितनी होती है? 2.1, ये रेट है 2.1, मतलब कि एक साल में 2.1% जनसंख्या का मरेगा और 2.1% ही पैदा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या स्थिर रहेगी ना, 100 लोग मरे और 100 ही लोग साल भर में पैदा हो गए, तो उस केस में क्या होगा? आइए आइए, उस केस में क्या होगा कि जनसंख्या स्थिरीकरण जिसे कहते हैं, आओ गुड मॉर्निंग, तो वो रिप्लेसमेंट रेट जो है चालू कांस्टेंट रखेगा किसको, जनसंख्या को। चाइना की जो रिप्लेसमेंट रेट है वो इस समय 1.18 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सालों में चाइना की जनसंख्या को हम लोग एक्सीड कर जाएंगे। क्यों? बहुत ज्यादा है। इंडिया का 2.1 के आसपास है, ऊपर ही है थोड़ा, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। अब 1.18 के हिसाब से तो वो डिक्रीज करेगी जनसंख्या चाइना की, और इंडिया की प्लस में जा रही है, तो 15 साल बाद हम लोग उसको पार कर जाएंगे। और जापान का बुरा हाल है, रिप्लेसमेंट रेट उसका और 1 पॉइंट पता नहीं कितना है, बहरहाल 2.1 से नीचे है। तो एक ऐसी दर जिसके आधार पर जनसंख्या का न बढ़ोतरी होता है न घटोतरी होता है, नाइदर योर पॉपुलेशन गेट्स इंक्रीज नॉर डिक्रीज, तो दैट रेट इज नोन एज रिप्लेसमेंट रेट पॉपुलेशन। और उससे ये होता है कि जनसंख्या जितनी है उतनी बढ़ी रहती है, उसको बोलते हैं जनसंख्या स्थिरीकरण, स्थिर फिक्स्ड है। क्लियर है? तो 2.1%, 100 करोड़, 150 करोड़ कहीं आबादी है, तो उसका 2.1% जितना हुआ, मान लीजिए 100 जनसंख्या है तो 100 में 2.1 लोग मरेंगे और 2.1 ही पैदा हो जाएंगे, 100 के 100 रह गया, तो रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, कौन सा विवाह जो है उचित होगा जिससे जनसंख्या जो है घटे? बहुपति मतलब जिसके बहुत सारे पति हो, बहुपत्नी जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो, तो कौन सा विवाह जो है उसमें जनसंख्या को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, जब एक होगा तो दूसरा तो अपने आप होगा, तो बहुपत्नी विवाह से जनसंख्या बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अब बहुपति विवाह से कम होगा, क्योंकि औरत तो एक ही है ना, तो एक साथ 2 बच्चे तो पैदा नहीं करेगी, तो बहुपत्नी विवाह जो है इसके लिए जनसंख्या को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम पे कई सारी वाइफ्स होती हैं। और क्या था लास्ट? हाँ, तो नेचुरल सिटीजनशिप आपको हमने बताया था, प्राकृतिक प्राकृतिक नागरिकता बोलते हैं ना हिंदी में, मतलब जो नागरिकता जिसको मिली है वो जन्म से हो, ठीक है, नेचुरल सिटीजनशिप, प्राकृतिक नागरिकता। द सिटीजनशिप विच इज एक्वायर्ड बाई बर्थ, पैदा होने के आधार पे जो मिला उसे बोलते हैं नेचुरल सिटीजनशिप। और मैंने इसके बारे में आपको बार बार धमकाया है कि भाई याद रखना, भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए आपको वहाँ का नेचुरल सिटीजनशिप होना जरूरी नहीं है। वेरी गुड। अभी प्राइवेट बिल आ रहा है संसद में, जब पास होगा वो बाद की बात है। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है घूम जाते हैं, देता है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि वो भारत की प्राकृतिक नागरिक नहीं थी, समझ रहे हो? ऐसा नहीं था,
प्राकृतिक नागरिक नहीं थी इसलिए वो नहीं बनी, ऐसा कहना गलत है। उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि इतना विरोध है कि छोड़ो यार हम नहीं बने, मनमोहन सिंह को बना दिया गया। लेकिन कानूनन कोई बाधा नहीं थी उसमें, ठीक है, कानूनन बाधा उसमें नहीं थी। उसके बाद क्या है, हाँ, तो ओरिजिनल यानी मूल अखबार में जब वैकेंसी निकलता है, दैट टाइम यू हैव सीन दैट दैट इज अ वर्ड कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए, लिखा रहता है ना, या बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या राजस्थान, जो भी हो। तो मूल निवासी का मतलब है कि जन्म से अगर आप वहाँ हैं तो आप उस स्टेट का मूल निवासी कहलाएंगे। ये भारत के संदर्भ में मूल निवासी अथवा साधारण निवासी लागू नहीं है, क्लियर है। भारत में नागरिकता के संदर्भ में कई विधियां हैं लेने को, ठीक है, लेकिन भारत के संदर्भ में मूल निवासी या साधारण निवासी जैसी कोई बात नहीं है, क्लियर है। ये किसके संदर्भ में है, स्टेट के संदर्भ में। भारत का जो भी नागरिकता लिया है भारत सरकार के लिए पर्याप्त है कि तुम हमारे नागरिक हो, मूल नागरिक हो कि साधारण नागरिक हो, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, नागरिक इज नागरिक। इसलिए सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था क्योंकि वो एज पर रूल था, कोई कानून ऐसा मना ही नहीं करता था, लेकिन नहीं बनी क्योंकि तो लोगों ने विरोध किया तो उन्होंने कहा अरे पकड़ो यार, ठीक है हम नहीं बनेगा, ठीक है ना, नाराज होकर कह दिया हम नहीं बने, कानूनन कोई मनाही नहीं थी, ध्यान रहे। तो डोमिसाइल और दूसरा जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल तो जन्म से हो गया, डोमिसाइल कैसे मिलता है, ऑर्डिनरी डोमिसाइल, और वो नेचुरल डोमिसाइल था, ऑर्डिनरी डोमिसाइल कैसे मिलेगा आपको, साधारण निवासी ऑर्डी। पहले हमने बताया था पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 शायद बताया था, उसके तहत जो है ऑर्डिनरी डोमिसाइल आपको मिलता है, कैसे, जब आप उसी जगह पे आप पिछले 5 सालों से लगातार निवास कर रहे हैं तो उसको जो है ऑर्डिनरी डोमिसाइल मिल जाता है, ठीक है, साधारण निवासी, नागरिकता नहीं निवासी। वो क्या था, मूल निवासी यानी ओरिजिनल डोमिसाइल। तो जब आप बिहार में जाइएगा और वो यूपी का, जैसे मैं यूपी में बहुत सालों से रह रहा हूँ तो भी हमें यहाँ ओबीसी को का फायदा नहीं मिला क्योंकि हम यूपी के मूल निवासी नहीं थे, इसलिए पीसीएस के सारे सिलेक्शन जनरल में फाइट करके लेना पड़ा, समझ रहे हैं। बिहार में जाते तो वहाँ मिलता क्योंकि हम वहाँ के लिए मूल निवासी थे क्योंकि जन्म वहाँ हुआ था, और यहाँ के लिए यूपी के लिए नहीं थे क्योंकि हम यहाँ जन्म नहीं लिए थे। तो क्लियर रहे, ऑर्डिनरी डोमिसाइल 5 साल, मूल निवासी ओरिजिनल डोमिसाइल दैट इज बाय बर्थ। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है, आप सोचते हैं कि यार मैं जात का अगर चमार हूँ तो मुझे बिहार का हूँ तो यूपी या दिल्ली में भी मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा अगर आप जब तक जन्म से पैदा ना हुए। तो जब जन्म से पैदा होंगे तो एक ही जगह होंगे ना, हवा में उड़ उड़ के राजस्थान महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तो चले नहीं जाएंगे हवाई जहाज से उड़ते हुए, हवाई जहाज में बैठे होंगे तो जैसे पैदा हुए जिस कंट्री के ऊपर से हवाई जहाज गुजर रहा था, इन दैट केस यू विल बी डीम्ड टू बी सिटीजन ऑफ दैट कंट्री। अगर अमेरिका के ऊपर से उड़ रहा था तो आपके बच्चे के बल्ले बल्ले हो गए, उसको बिना कुछ किए नागरिकता मिल गई, मूल सॉरी हाँ नागरिकता, मूल नागरिक, निवासी तो अलग है। ये सुने हो ना कि हवाई जहाज में अगर बच्चा जा रहा हो, डिलीवरी हवाई जहाज में हो गई तो कहाँ का नागरिक माना जाएगा, तो एट दैट टाइम जिस कंट्री के ऊपर से हवाई जहाज फ्लाई कर रहा था, कहीं अगर नैरोबी और किनिया और युगांडा बुरुंडी के साथ उड़ रहा होगा तब गया तब तो वो कहेगा यार जहाँ के पिताजी की नागरिकता वहीं ले लो, ज़्यादा बेटर है। लेकिन पूछता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तब क्या कहिएगा,
कहिएगा नहीं वो हमारा अमेरिका के में हुआ था हवाई जहाज, तो जांच वाँच में पकड़ा जाएगा कि हवाई जहाज अमेरिका में नहीं उड़ रहा था, नैरोबी किन्या बुरुंडी में उड़ रहा था, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो मूल निवासी का मतलब समझ गए, और क्या है नेक्स्ट? नहीं है, ये लोग दो तीन क्वेश्चन छूट गया इन लोगों का है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम की चीज़ें होती है ना इसमें। गुड, क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म कैन बी फंक्शनल, डिस्कस। कह रहा है कि कैसे जो है कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म उपयोगी हो सकता है। अब देखिए कन्फ्रंटेटिव मीन्स कि दैट इज झगड़ा, कन्फ्रंटेशन झगड़ा मोल लेना, संघर्ष। क्वेश्चन इज दैट कि हाउ कन्फ्रंटेटिव फेडरलिज्म मे बी फंक्शनल फॉर कंट्री, फॉर सोसाइटी, फॉर स्टेट, फॉर एनी सोशल एनिमल। तो इस क्वेश्चन को बिफोर गोइंग इन टू द डीप व्हाट डज इट मीन, यू विल हैव टू फोकस ऑन फेडरलिज्म। फेडरलिज्म दैट इज संघवाद, वेरी गुड। तो फेडरलिज्म मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल, इट हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन सेवेंथ शेड्यूल। इसमें कौन सा सूची में? सेवेंथ, सेवेंथ शेड्यूल, गुड। देर इज ए कैच, कैच क्या है इसमें? देर इज नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म इज गिवन, नो वेयर कहीं उसकी परिभाषा नहीं दी गई है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एडवोकेसी, समझ रहे हो? इतना बड़ा संविधान है, उसमें बहुत सारे शब्दों का, लॉट्स ऑफ एडजेक्टिव, लॉट्स ऑफ टर्मिनोलॉजी हैज नॉट बीन डिफाइंड, लाइक सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, फेडरलिज्म, है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो वी द पीपल, तो ऐसे करके बहुत सारे शब्द हैं जिसको कि डिफाइन संविधान में नहीं किया गया। इस इट डज नॉट मीन कि द पीपल हु हैज फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन दे आर नॉट अप टू द मार्क। इसका मतलब ये नहीं है, आप कोई भी चीज लिखने शुरू करेंगे तो क्या होगा, व्हाट हैपेंड, यू विल हैव टू फोकस ऑन द मेन कोर इशू एंड सम कोर इशू शुड बी लेफ्ट आउट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि यू विल टेक डेफिनेशन और विल टेक इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस ऑफ दैट टाइम, है ना। हमने एक्स को डिफाइन नहीं किया, इट डज नॉट मीन कि वी आर फूल और वी आर नॉट इन द इंटरेस्ट टू डिफाइन द टर्म। पर्पस क्या था उनका कि दिस डेफिनेशन, इफ आई एम सबमिटिंग डेफिनेशन ऑन डेट, दैट विल बी कन्फाइंड टिल अमेंडमेंट, वैसे ही रहेगा ना संविधान में। तो उन लोगों ने सोचा कि इट इज बेटर टू नॉट डिफाइन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल परव्यू। पीपल ऑफ इंडिया आर डेमोक्रेटिक पार्टी और हु सोवर पार्टी विल बी इन द पावर, दे विल डिफाइन, दे विल इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ये पर्पस था। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रेशनल बिहाइंड नॉट टू डिफाइन सो मेनी कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप ये नहीं कह सकते ना कि चार ऑप्शन में ये लिख देगा कि दे वेयर नॉट अप टू द मार्क, वो लोग बड़े विद्वान नहीं थे, हाँ देर वेयर क्लैशेस बिटवीन टू एंड थ्री ग्रुप्स एंड दे डिड नॉट रीच एट द फाइनल स्टेज, ये भी नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने जानबूझ के जो है छोड़ दिया, जानबूझ के नहीं छोड़ा। चौथा सही आंसर होगा कि दे लेफ्ट इट ऑन द ग्राउंड ऑफ दैट कि गवर्नमेंट विल टेक एक्शन और टेक इंटरप्रिटेशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ टाइम, उस समय की जो मांग होगी उसके हिसाब से आप इसका मीनिंग लगाते रहिए, लिखते रहिए। तो ये दिस इज द बेस्ट आंसर। तो अक्सर आता है टर्मिनोलॉजी में
कि कौन कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन कौन जो है भारत के संविधान में डिफाइन परिभाषित नहीं किया गया है, समझ रहे हो? तो वी द पीपल, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सोशलिज्म एक ही बात है, और तीसरा नेक्स्ट जो है सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, और ऐसे दो चार और है, चार तो दिमाग में बैठा लो, समझ रहे हो ना? प्रणन नहीं कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि उसको डिफाइन नहीं किया है कि व्हाट डज इट मीन, वो तो सबको मालूम है, और एकाध जगह जब कल्याणकारी राज्य की बात करता है तो सोशलिज्म ही है, लेकिन एक होता है ना जैसे सोवर्निटी की डेफिनेशन दिया है, सोवर्निटी की दिया है, लिबर्टी का दिया है, कुछ कुछ दिया है, तो वो मीनिंग जो है उसके हिसाब से नहीं। तो वैसे तो सबको मालूम है व्हाट इज सेकुलरिज्म, व्हाट इज सोशलिज्म, व्हाट इज वी द पीपल, सबको मालूम है कि फेडरलिज्म का मतलब संघवाद, संघवाद का मतलब दो यूनियन और उसके स्टेट के बीच शक्तियों का वितरण, ये तो सबको मालूम है, लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि देयर इज नो क्लियर कट एक्सप्लिसिट मीनिंग, स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाने वाला परिभाषा नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं है उसका बैकग्राउंड आई हैव टोल्ड यू कि दिस वाज द ग्राउंड amongst the constituent assembly not to define in the verbatim, तो सबको मालूम ही है। तो फेडरलिज्म का मतलब आप समझ गए, संघवाद का मतलब क्या समझे, अंडर शेड्यूल 7, इतनी बात क्लियर हो गई, और कौन कौन डेफिनेशन नहीं दिया है ये हमने आपको बताया। अब आगे चलिए, फेडरलिज्म का मतलब समझ गए, तो फेडरलिज्म होता कितने टाइप का है, यहाँ के बाद आप जाइए वेब पे, है ना, ये चैप्टर